न्यूजीलैंड से भारत की शर्मनाक हार पर लोगों में उमड़ा गुस्सा, देने लगे तरह तरह के रिएक्शंस। जय शाह पर भी साधा निशाना। टी20 विश्व कप में रविवार को ग्रुप बी में भारत और न्यूजीलैंड दुबई में आमने सामने थे, जहां न्यूजीलैंड ने भारत को आसानी से 8 विकेट से हरा दिया। न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 111 रनों का लक्ष्य था, जो उसने 14.3 ओवर में ही 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 में 7 विकेट पर 110 रन बनाए। जब इतने महत्वपूर्ण मैच में केएल राहुल, रोहित शर्मा, विराट कोहली और हार्दिक पांड्या के अलावा ऋषभ पंत जैसे बल्लेबाजों के होते हुए स्कोरबोर्ड पर इतने कम रन हो, तो भला गेंदबाज कैसे ही मैच को बचा पाते। भारत और न्यूजीलैंड ये दोनों ही टीमें अपना पहला मैच पाकिस्तान से हार गई थीं। भारत और न्यूजीलैंड को हराकर पाकिस्तान ने वाहवाही लूट ली, लेकिन भारत को हराकर न्यूजीलैंड ने भी राहत की सांस ली होगी। इसी के साथ दूसरी ओर अब भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली कहते हैं कि पहले पाकिस्तान और अब न्यूजीलैंड से हारने के बाद भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगर मगर की स्थिति में पहुंच गई है। अगर भारत अपने बचे हुए सभी मैच जीत जाता है, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता है और भारत का रन रेट ज्यादा होता है, तब सेमीफाइनल में जगह बन सकती है। फिलहाल भारत अपने ग्रुप में 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर पाकिस्तान और दूसरे पर अफगानिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने 3-3 मैच खेले हैं, जिसमें पाकिस्तान ने 3 और अफगानिस्तान ने 2 मैच जीते हैं। तीसरे स्थान पर न्यूजीलैंड है, जिसे 1 मैच में जीत और 1 में हार मिली है। टीम के चयन को लेकर भी विजय लोकपल्ली ने सवाल उठाते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ भी सही टीम नहीं खेली। टीम के सलामी बल्लेबाजों से लेकर टीम के 5वें गेंदबाज को लेकर टीम अनिश्चित थी। हार्दिक पांड्या के अलावा भुवनेश्वर कुमार पाकिस्तान के खिलाफ नाकाम रहे, क्योंकि वो पूरी तरह ना तो फिट थे और ना ही फॉर्म में। भुवनेश्वर कुमार धीमे हो गए थे। हार्दिक पांड्या गेंद से बेहद साधारण लगे। लोकपल्ली कहते हैं कि ये टीम कहीं से भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नहीं लगी। पहले ही मैच से टीम पर आईपीएल की थकान साफ नजर आई। टीम बस किसी भी तरह किसी चमत्कार के सहारे जीत के लिए उतावली थी। मैच के बाद भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा कि यह हार बेहद निर्दयी सी है। टीम की शारीरिक भाषा से लेकर खेल सब निराशाजनक था। वहीं सोशल मीडिया पर भारत की हार पर लोग भी काफी निराश नजर आ रहे हैं। एक यूजर ने भारत की परफॉर्मेंस पर रिएक्शन देते हुए लिखा, 110 में कई शहरों में 1 लीटर पेट्रोल नहीं आ रहा, जीत क्या खाक आएगी। एक यूजर ने भारत की हार पर अमित शाह के बेटे जय शाह पर निशाना साधते हुए लिखा, क्या यही है वो पनौती। एक यूजर ने भारत की हार पर भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा के शासन में भारतीय टीम ने कभी वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती ही नहीं। ऐसे ही अन्य कई यूजर्स हैं जो लगातार मामले पर रिएक्शंस देते नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे।